पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है और क्यों से क्यों मनाया जाता है। कृष्ण जन्म का दिन है आया, हर घर में ये रौनक लाए, सब मिलकर बोलो जयकारा, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, जय गोपाल की, लड्डू गोपाल की, नंद के लाल की। जन्माष्टमी का त्योहार सभी हिंदुओं के लिए एक प्रमुख त्योहार है। कृष्ण जन्माष्टमी को हम सब भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5000 साल पहले द्वापर युग में मथुरा में कंस मामा की जेल में देवकी वसुदेव के यहाँ भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी को रात 12 बजे हुआ था। जन्माष्टमी के दिन सभी मंदिरों और घरों में सजावट की जाती है और भगवान जी को नए नए पीले वस्त्र तथा नए नए आभूषण पहनाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। पंजीरी तथा पंचामृत का भी भोग लगाया जाता है। नारियल पाक का भी भोग लगाया जाता है, जो जन्माष्टमी का प्रमुख मिठाई है, जिसे नारियल बर्फी भी कहते हैं। जन्माष्टमी के 12 बजे के बाद शंख और घंटियां बजाकर भगवान जी को नहलाकर आरती की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में हर साल बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। उन्हें सुंदर से झूले पर बैठाकर झूला झुलाया जाता है। बच्चों को यह त्योहार बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि कान्हा जी के जन्म दिवस पर नए नए खिलौने कान्हा जी के लिए लाए जाते हैं, जिसका लुफ्त बच्चे भी बहुत उठाते हैं, और गुब्बारे और फूलों से उन कान्हा जी का पलना सजाया जाता है। यह पूर्व पूरी दुनिया में आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हमें भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। झूला सजाया है, माखन मिश्री का भोग बनाया है, रंगी गुब्बारों से पलना सजाया है, लड्डू बर्फी का केक बनाया है, इसे चखोगे शाम तुम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू शाम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।